नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जब कभी हम जो है किसी भी दो लैपटॉप में लैन के थ्रू जो है दोस्तों डाटा ट्रांसफर करते हैं कनेक्शन करके, तो तब हम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उस ड्राइव को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर वो ओपन नहीं होता है और हमें इस तरीके का एरर देखने को मिलता है, विंडो कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, डैश 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 कुछ इस तरीके का एरर हमें देखने को मिलता है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस ये वाला ड्राइव। ठीक है, इस तरीके का जो है हमें एरर देखने को मिलता है। बेसिकली हम कभी वायरलेस कनेक्शन करते हैं किसी भी दो लैपटॉप के बीच में, या फिर हम लैन केबल के थ्रू भी कभी जो है दोस्तों कनेक्शन करके हम बिटवीन टू लैपटॉप्स के बीच में जो है डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो किसी भी एक लैपटॉप को जब हम ओपन करते हैं किसी दूसरे लैपटॉप में तो वहां पर इस तरीके का हमें जो है एरर देखने को मिलता है और हमारा जो वो ड्राइव है पर्टिकुलर वो शेयर नहीं हो पाता है दोस्तों, और उसमें का कोई भी ड्राइव सॉरी डाटा जो है वो शेयर नहीं होता है और इस तरीके का एरर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इसी बात का सॉल्यूशन बताने वाला हूं दोस्तों कि आप कुछ इस तरीके का नेटवर्क एरर का जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे डाटा ट्रांसफर करते वक्त बिटवीन दो लैपटॉप्स के बीच में, तो यहां पर आप उसका सॉल्यूशन किस तरीके से पा सकते हो, चाहे वो लैन के कनेक्शन के थ्रू आप कर रहे हो या फिर आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी कर रहे हो, तो दोनों के कंडीशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है किस तरीके से इसका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए जो है एक सेटिंग बताने वाला हूँ, वो सेटिंग जो है दोस्तों दोनों कंडीशन में वर्क करेगी, यानी कि अगर आपका कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन भी होगा तो भी, और अगर आप लैन केबल के थ्रू भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन टू लैपटॉप्स तो वहां पर भी ये सेटिंग काम करेगी दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे तो। ठीक है, तो चलिए वो सेटिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपको माई कंप्यूटर में आ जाना है। माई कंप्यूटर में आने के बाद में यानी कि जो भी ड्राइव आप शेयर कर रहे हो किसी दूसरे लैपटॉप के साथ में तो उसके सेटिंग में आपको आ जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो राम ड्राइव है ई, ये ड्राइव हम दूसरे लैपटॉप के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो ये लैपटॉप इस दूसरे लैपटॉप में जो है दोस्तों हम इस वाले ड्राइव को ओपन कर रहे हैं तो वहां पर हमें वो एरर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर जो प्राइमरी ड्राइव है जिस लैपटॉप से आप शेयर कर रहे हो उस ड्राइव को शेयर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके प्रॉपर्टी में आ जाना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद में आपको यहां पर एक टैब मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के टैब में आपको आ जाना है। तो बेसिकली ये इधर हमें क्यों देखने को मिलता है दोस्तों वो मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां पर आप देख पाओगे ग्रुप और यूजर नेम्स, यहां पर आपको अलग अलग तरीके की परमिशंस दिखाई देगी, तो यहां पर जो है दोस्तों इस ड्राइव को परमिशन नहीं दी हुई होती है कि वो किसी के साथ में शेयर हो। यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स भी दिखाई दे रहा होगा, यूजर्स यानी इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए ये एक्सेस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो सकता है, सिस्टम के लिए एक्सेस हो सकता है और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पर इसकी ऑल परमिशन इसको नहीं दी हुई होती है, तो यहाँ पर हमें परमिशन ऐड करनी होगी। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट का बटन मिलेगा, एडिट के बटन में आपको आना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगा ऐड का, ऐड में आपको आ जाना है। ऐड में आने के बाद में यहाँ पर आपको एडवांस का एक टैब मिलता है, तो एडवांस के टैब में आपको आ जाना है। एडवांस के टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको परमिशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको एक फाइंड नाउ का बटन दिखाई देगा, फाइंड नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी परमिशंस की जो एक्सेसिबिलिटीज होती है वो आपको यहाँ पर सारी दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर एवरी वन यहाँ पर सर्च करना है एवरी वन। ठीक है, इस परमिशंस में से आपको एवरी वन सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे एवरी वन, इसे आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे एंटर द ऑब्जेक्ट नेम में एवरीवन आ जाएगा, तो यहां पर आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप देखोगे जो प्रीवियस टाइम में मैंने आपको अभी बताया उसमें ये एवरीवन यहां पर ऐड नहीं था दोस्तों, ठीक है, एवरीवन ऐड नहीं था, बाकी सभी थे, तो यहां पर अभी एवरीवन भी शो आपको करने लगा है, तो एवरीवन को आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आके फुल कंट्रोल का जो चेक मार्क है इसे अलाउ कर देना है, बाकी सारे भी अलाउ कर देने हैं और उसके बाद में आपको सिंपल अप्लाई कर देना है और यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स होगी सॉरी, तो उसके बाद में आपका जो ये ड्राइव है उसे आपको ओके कर देना है। कुछ प्रोसीजर होने के बाद में यहाँ पर ओके कर देंगे हम और फिर से हम ओके कर देंगे, तो आप देखोगे अभी आप जो है दूसरे जो कंप्यूटर है जिसमें आप डाटा शेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप इस ड्राइव को ओपन करोगे तो यहाँ पर हमें वो जो है
इरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो किस किस का इरर जो है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और इरर सॉल्व हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ इस वीडियो से रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज होगी तो आप मुझे फिर से कमेंट में बताएं, आपको उसका 100% रिप्लाई मैं जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो इस वीडियो में हम इतना जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।